हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। दो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। हमारी अगली आइडेंटिटी 8th नंबर की जो आइडेंटिटी है वो इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन जो है वही हमारा जो 10th के अंदर यूज़ होने वाला है। यानी कि आप ऐसा समझ लो कि 9th क्वेश्चन ही वो दो आइडेंटिटीज़ हैं जो हमने नेक्स्ट करनी है और जो हमारी 10th क्वेश्चन के अंदर यूज़ होने वाली है। सो फर्स्ट पार्ट क्या है 9th क्वेश्चन का, दैट इज एक्स क्यू प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल आती है या नहीं आती। ठीक है, सो हमने लेफ्ट और राइट साइड को जो है एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है कि x प्लस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई इसके इक्वल होता है या नहीं, हमने आइडेंटिटी की थी। ठीक है, शुरू में तो x प्लस वाई का क्यूब जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। आपने क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ, इस 3xy को उठा के इधर ले आओ, तो क्या बन गया, x प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू किसके इक्वल बना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बन गया। इसको अगर मैं x प्लस वाई यहाँ से कॉमन निकालूँ, देखो एक x प्लस वाई का क्यूब यहाँ पे और x प्लस वाई यहाँ पे है, सो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई कॉमन निकालूँ सो x प्लस वाई आ गया यहाँ पे, अंदर क्या बचेगा x प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस 3xy। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 3 थी और यहाँ पे 1 थी, तो यहाँ से मैंने एक पावर बाहर निकाल ली तो यहाँ पे दो पावर बच जाएगी और यहाँ पे क्या बच गया, 3xy बच गया प्लस माइनस का। ठीक है, सो किसके इक्वल आ गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के। सो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो x प्लस वाई इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy, x प्लस वाई का स्क्वायर आपको पता है वो लिखा, माइनस 3xy विच इज इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू। ठीक है, नाउ देयर फोर आ गया आंसर हमारा, दैट इज एक्स प्लस वाई का, सॉरी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आएगा, दैट इज एक्स प्लस वाई हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 3xy में से 2xy गए, xy बचा और माइनस का 3 है, 3 बड़ा है तो माइनस का साइन, दैट इज एक्स वाई। सो यही तो हमने प्रूव करना था, दैट इज x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। सो वही चीज है हमारे पास, दैट इज x प्लस वाई का क्यूब इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बीच में लिख लो माइनस एक्स वाई को, दैट डजंट मैटर, हमारा आंसर यहाँ पे बन गया। ओके, सो इसको नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में इसके सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू सेकेंड पार्ट, सेम क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस था, तो सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं, दैट इज एक्स माइनस वाई का एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, हमने प्रूव करना है ये किसके इक्वल है, एक्स माइनस वाई के एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के, ओके इसके इक्वल है। सो हम यही प्रूव करेंगे, यही प्रूव करने के लिए यहाँ पे प्लस वाली आइडेंटिटी यूज की थी क्योंकि प्लस वाला प्रूव करना था, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करो। सो सॉल्यूशन, वी नो दैट, हमें पता है क्या कि x माइनस वाई का क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस एक्स माइनस वाई, यही होता है या चेंज होता है, देखिए पीछे ओपन कीजिए अपनी बुक्स को और वहां पे देखिए x माइनस वाई का क्यूब किसके इक्वल होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, x माइनस वाई, ओके नाउ क्या करना है, इस 3xy को उठा के इधर ले आओ, x माइनस वाई का क्यूब माइनस का प्लस हो गया, प्लस का 3xy
एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये बच गया दूसरी साइड पे। अब यहां से पहले x प्लस वाई कॉमन लिया था ना हमने, अब x माइनस वाई कॉमन ले लो। x माइनस वाई कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस का 3xy, यही बचा। इधर क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके नाउ x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस का 3xy, और इधर है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके नाउ एक्स माइनस वाई, अब देयरफॉर आपने क्या करना है, इस वाले को इधर लिख लो, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये वाला, उसके बाद में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, 3xy में से 2xy गए प्लस का xy। सो ये हमारा आंसर आ गया जो हमने प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव्ड आप नीचे लिख देना, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। ओके सो ये हमारा आंसर आ गया, इसको फटाफट दोनों को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद में मूव करते हैं इन्हीं एक जो आइडेंटिटीज है उनको यूज करके अपना क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो इन दोनों को हम लिखा रहने देंगे और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। सो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 जब कर रहे हो तो इन दोनों को हाईलाइट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि वही यूज होनी है। सो ये आइडेंटिटी हम ऐसे ही लिखी रहने देते हैं क्योंकि हमने इनका यूज करना है, और हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। ओके सो ये दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर, प्लस और माइनस दोनों की। ओके सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है 27x का क्यूब y का क्यूब प्लस 125z क्यूब, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, हेयर वी हैव, हेयर वी हैव, या आप ऐसे लिखो द एक्सप्रेशन, द एक्सप्रेशन कौन सी एक्सप्रेशन, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब कैन बी रिटन एज, इसको कैसे लिखा जा सकता है वो बताती हूँ मैं। कैन बी रिटन एज, इसको 27 को मैं लिख दूँ 3y का क्यूब, 3 का स्क्वायर क्यूब कितना होता है 27, और y का क्यूब तो 27y क्यूब, प्लस इसको मैं लिख दूँ 5z का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125z का क्यूब, z इज, तो ये बन गया 125z क्यूब। अब देखिए इससे कंपेयर कीजिए, कंपेयरिंग इट विथ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस वाई, ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसके इक्वल है, ठीक है। सो हेयर हेयर एक्स इज इक्वल टू कितना है 3y, और वाई इज इक्वल टू कितना है 5z, देयरफॉर वी हैव, हमारे पास क्या आएगा अगर हम ऊपर वाली इस आइडेंटिटी को यूज करें, सो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब, यानी कि 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब बिकम्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यानी कि 3y प्लस 5z, और एक्स का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर प्लस माइनस xy, यानी कि माइनस 3y 5z और प्लस का क्या आएगा 5z का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन गया, 3 का क्यूब इज 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब इज इक्वल टू 3y प्लस 5z, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9y स्क्वायर माइनस, ये कितना हो गया 15yz प्लस का 25z स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। आप इसको यहीं पे भी छोड़ सकते हो, आगे सॉल्व करना तो अभी आप इसको कर सकते हो। सो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, और आज का लास्ट पार्ट है वो 10th का सेकंड पार्ट, इसको नोट कर लीजिए।
सो सेकेंड पार्ट ऑफ टेंथ क्वेश्चन इज, अब माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे हम. जिन्होंने नोट नहीं किया है वीडियो को बैक करके, और आप क्या करोगे पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है. सो सेकेंड पार्ट इज 64m³ माइनस 343n का क्यूब, ये हमें दिया हुआ है और इसको हमने सॉल्व करना है. ओके सो देखो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 343 क्यूब किसका होता है, 7 का. तो हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन में, वही चीज, द एक्सप्रेशन, कौन सी एक्सप्रेशन, ईएक्सपी का मतलब है एक्सप्रेशन, ठीक है, आप पूरा लिख लेना. द एक्सप्रेशन 64m³ माइनस 343n³ कैन बी रिटन एज कैसे लिख सकते हैं, 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब, ये लिखा जा सकता है, ठीक है. ये लिखने के बाद अब इसको कंपेयर करो इस वाली से. Therefore, by comparing or by using, आप कुछ भी लिख सकते हो, that is by comparing or by using, you can write it at, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, that is we know that, क्या पता है हमें कि x cube minus y cube ही तो बन रहा है, किसके इक्वल होता है, x minus y, x square plus xy प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है. सो हेयर एक्स इज इक्वल्स टू 4m और y इज इक्वल्स टू 7n, ठीक है. देयरफॉर ये किसके इक्वल बन गया, 4m का क्यूब माइनस 7n का क्यूब बिकम्स इक्वल्स टू 4m माइनस 7n, और बाकी मैं नीचे लिख रही हूँ ये वाला पार्ट जो है इसका. सो एक्स स्क्वायर यानी कि 4m का स्क्वायर प्लस एक्स वाई यानी कि 4m 7n और प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 7n का स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा. 4m का क्यूब कितना होता है, 64m³ माइनस 343n³ इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7n इज इक्वल टू ब्रैकेट में आएगा 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n का स्क्वायर, ठीक है. सो ये आ गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए. आप इसको ये भी लिख सकते हो आंसर, या हैंस प्रूव तो नहीं लिखना, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है. सो ये थे आज की दो आइडेंटिटीज प्लस उसके क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं. बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे बाकी आइडेंटिटी के साथ. एक आपकी लास्ट आइडेंटिटी बचती है आपकी एनसीईआरटी की बुक की, दैट इज 8th नंबर आइडेंटिटी. ओके सो वो 8th नंबर आइडेंटिटी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. आज के लिए इतना ही. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10. इसको कीजिए अपनी नोटबुक्स के ऊपर एंड प्रैक्टिस कीजिए इसको. देन नेक्स्ट मिलते हैं लास्ट आइडेंटिटी के साथ, और आई होप सो कि वो लास्ट वीडियो हो, अदरवाइज दो वीडियोज और बनेंगे और आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. ओके सो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है. सो मिलते हैं नए वीडियो के साथ कल, नए कंसेप्ट के साथ.